नमस्ते। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं डार्ट ट्यूटोरियल, तो आइए शुरू करते हैं। डार्ट एक ओपन सोर्स इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि गूगल ने बनाया है। जब मैं कहता हूँ कि एक इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसका मतलब इसका जो कोड है वो जाता है इंटरप्रेटर के पास और ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है एंड कन्वर्ट होता है नेटिव कोड में या तो जावास्क्रिप्ट कोड में। अगर आप एक विंडोज एप्लीकेशन या तो एक मोबाइल एप्लीकेशन बना रहे हो तो ये कन्वर्ट होगा नेटिव कोड में। अगर आप वेबसाइट बना रहे हो तो ये कन्वर्ट होगा जावास्क्रिप्ट कोड में। आप क्या कर सकते हो डार्ट के साथ? अगर आप डार्ट यूज करते हो फ्लटर फ्रेमवर्क के साथ, तो आप बना सकते हो विंडोज एप्लीकेशन, एंड्रॉइड एप्लीकेशन, iOS एप्लीकेशन, वेबसाइट, वेब सर्वर्स, ये सभी कुछ सिर्फ एक कोड बेस के साथ। अभी हम लोग लिखते हैं अपना हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम डार्ट के अंदर। तो आपको जाना है गूगल पे एंड सर्च करना है डार्ट पैड, ओके, एंड जो पहला लिंक है उस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप अपना डार्ट के कोड रन कर सकते हो। तो आपको लिखना है void main, ओके, void main एंड उसका बॉडी एंड जो भी कोड है आपको सब इसके अंदर ही लिखना है। तो मैं लिखता हूँ प्रिंट हेलो वर्ल्ड, हम लोग प्रिंट यूज करते हैं आउटपुट दिखाने के लिए, एंड लास्ट आपको डालना है सेमी कॉलन। हम लोग इसे रन करते हैं, ओके, तो यहाँ पर दिख रहा है वर्ल्ड का स्पेलिंग रॉन्ग हो चुका है, तो हम यहाँ पर चेंज कर देते हैं रन, ओके। तो अभी हम लोग बात करते हैं अपना कमेंट्स वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स के ऊपर। तो डार्ट में दो टाइप के कमेंट्स होते हैं, एक होता है सिंगल लाइन जो हम लोग देते हैं डबल स्लैश के साथ, ये हो गया अपना सिंगल लाइन कमेंट, एंड दूसरा होता है मल्टी लाइन कमेंट जो हम लोग देते हैं सिंगल स्लैश एस्ट्रिक, उसके बाद आप अपना कमेंट लिखो यहाँ पर COMMENT एंड फिर एंड इसको खत्म करने के लिए एस्ट्रिक देके बैक स्लैश, ओके। कमेंट बेसिकली इंटरप्रेटर स्किप कर देता है, उसे रीड नहीं करता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप के ऊपर, ओके। तो सबसे बेसिक डेटा टाइप हम लोग लेते हैं जो कि है इंटीजर। हम लोग लिखते हैं इंट ए 78, यहाँ पर इंट डेटा टाइप है, ए वेरिएबल है एंड 78 उसका वैल्यू है, ओके। तो ये इंटीजर हो गया। अगर सपोज आपको चाहिए कि फ्रैक्शनल नंबर होना चाहिए 77.7, 77.8, ओके, तो उसके लिए हम लोग को लेना पड़ेगा डबल, डबल बी इक्वल्स टू 78.6, राइट। इसके बाद तीसरा डेटा टाइप है स्ट्रिंग, ओके। अगर आपको शब्द लेने हैं, सेंटेंस लेने हैं, उसके लिए हम लोग लेते हैं स्ट्रिंग, स्ट्रिंग एस इक्वल्स टू सपोज कि सुमित यादव, ये हो गया स्ट्रिंग डेटा टाइप, ओके। आपको डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर स्ट्रिंग को लिखना होता है। इसके बाद स्ट्रिंग के कुछ हम लोग फीचर्स देख लेते हैं। आप कैसे कॉन्केटिनेशन कर सकते हो? कॉन्केटिनेशन यानी कि आप कैसे दो शब्द को या तो दो स्ट्रिंग को जोड़ सकते हो। सपोज कि यहाँ पर सुमित यादव है, एंड अभी मैं यहाँ पर कुछ और भी ऐड करता हूँ, सुमित यादव एंड दूसरा एक स्ट्रिंग ऐड करता हूँ जो कि है सपोज कि एज है मेरा 21, राइट। तो ये हो गया, मैंने दो स्ट्रिंग को जोड़ दिया, राइट। अभी मैं इसे प्रिंट करता हूँ। इसे प्रिंट करने के लिए आप कैसे करोगे? तो प्रिंट एंड फिर वेरिएबल का नाम, तो वेरिएबल है एस, सेमी कॉलन बिल्कुल भी मत भूलना, रन। तो आपको कंसोल पर आउटपुट दिखेगा सुमित यादव एज 21। तो ये दो स्ट्रिंग्स को जोड़ दिया है यहाँ पर। अभी तीसरे फीचर के बारे में हम लोग बात करते हैं जो कि है इंटरपोलेशन। सपोज कि आपको जो ए है इसका वैल्यू ये स्ट्रिंग के अंदर डालना है, ओके। सपोज कि एज जो है यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 34, और ये एज 21 को हटा के यहाँ पर मुझे ए चाहिए, ओके। तो मैं कैसे करूँगा? मैं यहाँ पर लिखूंगा डॉलर ए, ओके, डॉलर ए। अभी मैं इसे रन करता हूँ तो आएगा यहाँ पर 34। तो 34 का वैल्यू यहाँ पर इसने इस स्ट्रिंग के अंदर डाल दिया, इसे कहते हैं इंटरपोलेशन, ओके। अगर आपको सपोज कुछ एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है, सपोज ए प्लस बी करना है, तो आपको कर्ली ब्रेसेस के अंदर डालना पड़ेगा, आपको कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा। एंड फिर हम लोग रन करते हैं तो 34 प्लस 78.6 हो जाएगा, ओके, 112.6, राइट। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं बूल डेटा टाइप के बारे में। तो बूल एक ऐसा डेटा टाइप है जो सिर्फ दो ही वैल्यू लेता है, ट्रू या तो फॉल्स, सही या तो गलत, फ्लैग इज इक्वल्स टू ट्रू, ओके, या तो फॉल्स, ओके। अगर आप सपोज कुछ और ले लिए जैसे कि एक्स वाई जेड, तो आपको यहाँ पे एरर बताएगा। हम लोग आते हैं
एक डेटा टाइप जो कि काफी फेमस है, ओके, जो कि जावास्क्रिप्ट से लिया गया है, वो है वार। वार एक्स इज इक्वल्स टू, सपोज कि इसमें मैं लिखता हूँ कोई स्ट्रिंग, कच्चा बादाम, ओके। तो अभी ये वार क्या है, ओके, तो जैसे कि आपने हर एक इंटीजर के लिए, हर एक डेटा टाइप के लिए आप इंट लिख रहे हो, डबल लिख रहे हो, स्ट्रिंग लिख रहे हो, जब आप वार लिखते हो तो आप यहाँ पर कुछ भी दो वो उसे एक्सेप्ट कर लेगा, ओके। तो जैसे कि अभी मैं प्रिंट करता हूँ एक्स, तो राइट, तो देखो यहाँ पर कच्चा बादाम प्रिंट हो चुका है, जबकि यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग लिखा भी नहीं है, मुझे यहाँ पर स्ट्रिंग लिखना चाहिए था पर मैंने स्ट्रिंग नहीं लिखा है, राइट। एंड अगर सपोज कि मैं कुछ चेंज कर दूँ, इसे मैं एक नंबर में डाल दूँ, भाई मुझे 5 करना है अभी, तो यहाँ पर मुझे इंट लिखना चाहिए था पर मैंने इसमें बार लिखा है, ओके। तो ये सभी डेटा टाइप को एक्सेप्ट कर लेता है एंड एक्चुअली क्या करता है कि जो भी वैल्यू रहेगा उस हिसाब से उस वेरिएबल को वो डेटा टाइप प्रोवाइड कर देता है, ओके। कलेक्शन, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे लिस्ट, तो लिस्ट कैसे लिखा जाता है, तो हम लोग लिखेंगे वार लिस्ट वार इज इक्वल्स टू, फिर लिस्ट के हम लोग वैल्यूज प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि 1, 2, 3, सपोज कि मैंने कोई स्ट्रिंग डाल दिया, राइट, एंड एंड में डालेंगे सेमी कॉलर। तो ये हो गया आपका लिस्ट का डेफिनेशन, ओके। अब हम लोग इसे प्रिंट करते हैं, प्रिंट लिस्ट वन, ओके, एंड रन। तो हमने ऊपर के दो प्रिंट को कमेंट आउट कर दिया है, राइट। तो लिस्ट वन यहाँ प्रिंट हो रहा है, 1, 2, 3 स्ट्रिंग, राइट। अभी दूसरा हम लोग कलेक्शन पे आते हैं जो कि है सेट, सेट वन इक्वल्स टू न्यू सेट, सेट का एस कैपिटल होना चाहिए यहाँ पर, सेट वन डॉट एड ऑल, ओके। एड ऑल के बाद हम लोग यहाँ पर अपना लिस्ट प्रोवाइड करेंगे, सपोज हम लोग ये सेम का सेम टू सेम लिस्ट डालते हैं यहाँ पर, फिर हम लोग रन करते हैं, ओके। तो रन हो रहा है, तो भी आप बोलोगे कि भाई दोनों में डिफरेंस क्या है, राइट। दोनों में डिफरेंस सपोज कि मैंने यहाँ पर एक और 3 लिख दिया एंड यहाँ पर मैंने एक और 3 लिख दिया एंड फिर मैं रन करता हूँ, तो आप देखोगे कि लिस्ट में नंबर रिपीट हो सकते हैं, ओके, लिस्ट में नंबर रिपीट हो सकते हैं जबकि सेट में नंबर रिपीट नहीं हो सकते, भले ही आपने डाला है पर वो रिपीट नहीं होंगे, राइट। तो ये उसका डिफरेंस हो गया। फिर हम लोग थर्ड कलेक्शन पे आते हैं जो कि है क्यू, इसका भी सेम है लिखने का तरीका, वार क्यू वन इक्वल्स टू क्यू कैपिटल क्यू ई वी, ओके, एंड उसके बाद क्यू वन डॉट, ओके, यहाँ पर बताएगा नहीं, तो इसके लिए आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा एक लाइब्रेरी, राइट। उसके लिए आपको यहाँ जाना है ऊपर एंड इंपोर्ट करना है डॉट कलेक्शन, ओके, एंड इंपोर्ट का आई छोटा होना चाहिए, राइट, क्यू वन डॉट, एंड इसके अंदर में हम लोग सेम डेटा दे देंगे, यही है, ओके, एंड इसे भी प्रिंट कर लेते हैं, एरर कंपाइलिंग टू जावास्क्रिप्ट, ओके। तो हम लोग को यहाँ पर न्यू क्यू लिखना है, न्यू क्यू, यस, राइट। अभी यहाँ पर डिफरेंस क्या, देखो ये भी 2 बार 3 को प्रिंट कर रहा है, तो अभी आप बोलोगे कि भाई लिस्ट एंड क्यू में डिफरेंस क्या है, तो क्यू का डेफिनेशन क्या है कि क्यू में जो आप वैल्यूज है आप सिर्फ फ्रंट एंड एंड में रिमूव कर सकते हो या तो ऐड कर सकते हो, जबकि लिस्ट में आप किसी भी जगह पे उसे ऐड कर सकते हो। तो जैसे कि लिस्ट में मैं आपको ऐड करके बताता हूँ, लिस्ट वन डॉट इंसर्ट, ओके, हम लोग करेंगे सेकंड पोजीशन पे हम लोग ऐड करेंगे 456 एंड फिर हम लोग रन करते हैं, ओके। तो आप देख सकते हो कि सेकंड पोजीशन पे 56 ऐड हो चुका है, ओके, जबकि हम लोग क्यू में ये नहीं कर सकते, सेट में हम लोग कर सकते हैं, क्यू में नहीं कर सकते, क्यू में इंसर्ट का फंक्शन ही नहीं है एट द मिडल, ओके। तो आप या तो एट द एंड आप इंसर्ट कर सकते हो या तो एट द स्टार्ट। तो अभी हम लोग आते हैं चौथे कलेक्शन के ऊपर जो कि है मैप, मैप का भी सेम है
और लिखने का तरीका var map1 that is equals to new map okay. And फिर हम लोग map को define करेंगे map1 that is equals to हम लोग curly braces में डालते हैं map को and इसमें basically होता है key value pair right. तो suppose कि मैंने एक string ले लिया with name इसके अंदर डिटेल है मेरा नाम तो मेरा नाम है सुमित कॉमा भी इसमें सपोज कि एक है एज एंड वो सोर में डाले 21 यहाँ पर से हम लोग लिखते हैं कॉमा ओके. इसके बाद सपोज मैंने डाल दिया अपना जेंडर राइट एंड अभी हम लोग इसे लास्ट में कर्ली ब्रेसेस के बाद हम लोग को सेमी कॉलन डालना है. तो हम लोग प्रिंट करेंगे मैप को प्रिंट मैप वन राइट सब कुछ सही लग रहा है ओके. हम लोग यहाँ पर कॉमा नहीं दिए फिर रन करते हैं यहाँ पर मैप प्रिंट हो जाना चाहिए ओके. तो मैप यहाँ पर प्रिंट हो चुका है तो हमारे चारों कलेक्शंस हो चुके हैं. हेलो तो अभी हम लोग आते हैं अपने जेनेरिक कलेक्शंस के ऊपर. तो अभी तक हम लोगों ने कलेक्शन सीखा है राइट. तो कलेक्शंस में क्या होता है कि हम लोग अलग अलग डेटा टाइप के वैल्यूज को डाल सकते हैं राइट. जैसे कि यहाँ पर मैंने इंट डाल दिया स्ट्रिंग को डाल दिया मैं हम लोग यहाँ पर डबल भी डाल सकते हैं 3.7 भी डाल सकता हूँ राइट. पर लेकिन जेनेरिक कलेक्शन में क्या होता है कि आप सिर्फ एक टाइप ऑफ डेटा एक कलेक्शन में डाल सकते हो ओके. तो दोनों का सिंटेक्स काफी सेम है बस हल्का सा डिफरेंस है. तो सपोज कि अभी हम लोग को एक कलेक्शन को अभी हम लोग बना देंगे जेनेरिक कलेक्शन राइट. एंड सबसे पहले हम लोग लिस्ट से शुरू करते हैं. तो सबसे पहले मैं इसको हटा देता हूं ओके. तो लिस्ट वन राइट इसको जेनेरिक बनाने के लिए सिर्फ हम लोग को ये सिंबल डालना है फिर जो टाइप है वो देना है इन राइट सॉरी कंट्रोल सेड. तो अभी हमने टाइप स्पेसिफाई कर दिया है कि भाई इंटीजर डेटा टाइप का ये लिस्ट होना चाहिए. तो अगर इसमें स्ट्रिंग डेटा टाइप होगा तो आपको देखो यहाँ पर एरर बता रहा है एलिमेंट टाइप स्ट्रिंग कांट बी असाइन टू द लिस्ट टाइप इंट ओके. तो आपको ये हटाना पड़ेगा अगर नहीं हटाओगे तो आपको एरर शो करेगा राइट. एंड अभी मैं रन करता हूँ इसे तो ये प्रिंट करेगा लिस्ट वन ओके. तो ये लिस्ट प्रिंट कर रहा है. अभी हम लोग आगे आते हैं जेनेरिक सेट्स के ऊपर राइट. तो जेनेरिक सेट में भी आप देखो यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग डाला है राइट. आपको सिर्फ चेंज क्या करना है सेट के बाद आपको लिखना है आई एन टी ओके राइट. तो बस एक हल्का सा चेंज आपने यहाँ पर कर दिया तो ये हो जाता है. अभी देखो यहाँ पर स्ट्रिंग के यहाँ पर रेड लाइन बता रहा है राइट. तो अगर मैं इसे रन करता हूँ तो यहाँ पर एरर आएगा ओके. तो यहाँ पर देख रहे हो स्ट्रिंग के पास ही एरर आया कंपाइलेशन फेल्ड एंड आपको एरो के साथ बता रहा है. तो हम लोग को ये स्ट्रिंग अगर मैं हटा दूँ क्या रन करेगा सेकेंड प्रिंट स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं ओके. तो 1 2 3 1 2 3 3 ओके. तो ये सेट है इसलिए वो सिर्फ एक ही बार 3 को उसने बताया है. अभी क्यू का हम लोग को चेंज करना है तो सिमिलरली यहाँ पर हम लोग लिखना पड़ेगा इंट ओके. और स्ट्रिंग को हटाना पड़ेगा मतलब आपको जो डेटा टाइप डालना है वो डाल सकते हो. इसी कारण आपको स्ट्रिंग चाहिए तो यहाँ पर आप स्ट्रिंग डाल दो एंड यहाँ पर आपको सबसे वैल्यूज को स्ट्रिंग करना पड़ेगा. तो आपको समझेगा भी मैप के थ्रू. सो सपोज मैप में क्या होता है की एंड वैल्यू होता है राइट. सो यहाँ पर दो डेटा टाइप यूज हो रहे हैं तो हम लोग को दो डेटा टाइप स्पेसिफाई करना पड़ेगा. तो हम कैसे करेंगे तो पहला वाला सपोज हम लोग को चाहिए स्ट्रिंग एंड दूसरा वाला हम लोग को चाहिए सपोज वो वाला हम लोग को चाहिए इंटीजर ओके. सपोज हम लोग को इंटीजर चाहिए तो हम लोग को ऐसा लिखना पड़ेगा राइट. एंड अभी देखो ये तो स्ट्रिंग हो गया जो वैल्यू है वो स्ट्रिंग हो गया जबकि उन्होंने बोला कि वैल्यू इंटीजर होना चाहिए. तो हम लोग यहाँ पर चेंजेस करना पड़ेगा हालांकि वो यहाँ बैठ नहीं रहा है पर हम लोग को उसको अभी इंटीजर में डालना पड़ेगा ओके. तब जाके एरर नहीं आएगा एंड आप रन कर सकते हो इसे राइट. तो ये रन कर रहा है. तो ये हो गया आपका जेनेरिक कलेक्शन जो काफी सिंपल था ओके. तो अभी हम लोग आते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट के ऊपर. तो दो टाइप के कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं एक होता है इफ एल्स इफ और दूसरा होता है स्विच स्टेटमेंट. तो इफ एल्स इफ हम लोग सबसे पहले देखते हैं हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल वोटिंग का. तो सपोज कि हम लोग को देखना है कि वार एज हम लोग के क्लाइंट ने दिया है ओके जो कि दिया 21 एंड हम लोग को चेक करना है कि क्या वो एलिजिबल है कि नहीं. हम लोग जाएंगे इफ एंड कंडीशन देंगे इसके अंदर
एंड इफ का बॉडी रहेगा, राइट। तो हम लोग इफ चेक करेंगे, इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एडी, प्रिंट एल्स इफ, हम लोग एक दूसरा कंडीशन दे देंगे, ओके, क्या आपका एज ग्रेटर देन जीरो है, ओके, और ओके एंड एज इज लेस देन 18, ओके, 18 से कम हो एंड जीरो से ज्यादा हो, नेगेटिव नंबर नहीं है, तो हम लोग प्रिंट करेंगे, राइट। अगर सपोज किसी ने नेगेटिव नंबर डाल दिया है तो एक डिफॉल्ट हम लोग डाल देंगे एल्स, एक लास्ट हम लोग डालते हैं एंड उसमें प्रिंट कर देंगे कि भैया आपने कुछ तो गलत डाला है, गलत एज, ओके। तो अभी एज 21 है तो हम लोग को ये शो करना चाहिए आप एलिजिबल हो, तो हम लोग रन करते हैं तो आ गया आप एलिजिबल हो। अगर मैं इसे चेंज कर दूं सपोज तो आप एलिजिबल नहीं हो, अगर इसको मैं कर दूं माइनस माइनस 1 तो जीरो से नीचे हो गया ये, गलत एज, ओके, ये हो गया आपका इफ एल्स इफ। एंड अभी हम लोग आते हैं स्विच स्टेटमेंट पे, ओके, तो स्विच स्टेटमेंट भी काफी इजी है, राइट। हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं ग्रेडिंग सिस्टम का, तो सपोज कि आपको एक ग्रेड दिया गया है, वार ग्रेड जी इक्वल्स टू सपोज आपको मिला है ए, राइट, एंड अभी हम लोग स्विच करेंगे एंड आपको कमेंट करेंगे इसके लिए, तो स्विच जी, ओके, जी अपना ग्रेड को हम लोग स्विच करेंगे जो, एंड हम लोग यहाँ पर केसेस डालेंगे, केस, ओके, सपोज केस ए के लिए किसको ए ग्रेड आया तो हम लोग क्या कमेंट करेंगे, केस बी के लिए, केस सी के लिए, एंड फिर डिफॉल्ट केस, ओके, जैसे हम लोग को इफ एल्स में से एल्स था वैसे यहाँ पर एक डिफॉल्ट हम लोग लिखते हैं। तो सपोज कि अभी अपना पहला केस है कि भैया किसी को ए ग्रेड मिला, ओके, तो ए तो एक स्ट्रिंग है तो हम लोग डबल इनवर्टेड कॉमास में डालेंगे, या किसी को सपोज बी मिला है या सी मिला है, ओके, अगर ए मिला है तो हम लोग उसका बॉडी लिखना है, इन बॉडी के अंदर आएगा प्रिंट एक्सीलेंट, ओके, एंड यही बॉडी को हम लोग कॉपी कर लेते हैं और फिर बी के लिए हम लोग करते हैं, सी के लिए करते हैं, किसी को बी ग्रेड आया है तो लोग लिखेंगे ऑसम, किसी को सी आया है लिखेंगे ग्रेट, किसी को डिफॉल्ट आया है तो हम लोग उसके लिए लिखेंगे नाइस, ओके, तो केस ए बी सी, ओके, एंड आपको हर एक केस के बाद आपको ब्रेक स्टेटमेंट लिखना है, ब्रेक, ओके, हम लोग कॉपी कर लेते हैं, ये जरूरी है, ये इस तरीके से हम लोग लिखते हैं स्विच स्टेटमेंट को, ओके, तो अगर ए, अगर सपोज किसी को सपोज यहाँ पे मैं बोलता हूँ बी आया है, ओके, तो ए सबसे पहले जाएगा ए के तरफ, ए तो नहीं हो रहा है तो बी के पास जाएगा, ओके, बी के पास जाएगा, ये प्रिंट करेगा एंड यहाँ से ब्रेक ले लेगा, ब्रेक कहाँ से लेगा, कहाँ से लेगा, तो ये तो कर्ली ब्रेसेस है, इसके बाहर निकल जाएगा, यानी कि स्विच स्टेटमेंट से बाहर निकल जाएगा वो, ओके, तो ये बी है तो लोग रन करते हैं, राइट, तो यहाँ पर कंपाइलेशन एरर बता रहा है, ओके, क्योंकि हम लोगों ने बी ऐसा एडिटिव लिख दिया है वो जबकि स्ट्रिंग है, तो हम लोग को डबल या तो सिंगल इनवर्टेड कॉमास करके लिखना है, ओके, एंड अभी हम लोग करते हैं, ओके, ऑसम, तो बी का क्या है, ऑसम, तो ये हो गया स्विच केस। अभी हम लोग बात करते हैं लूप के बारे में, तो यहाँ पर दो तरीके के लूप है, एक है फॉर लूप और दूसरा है व्हाइल एंड डू व्हाइल लूप, ओके, तो हम लोग प्रिंट करेंगे एक से लेके दस तक यूजिंग फॉर लूप, ओके, तो फॉर लूप में हम लोग को तीन चीज चाहिए होता है, एक होता है इनिशियलाइजेशन, लिमिट और इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, राइट, तो फॉर हम लोग यूज करते हैं फॉर, फॉर आई, ओके, आई का सबसे पहले हम लोग को देना है इनिट, इनिशियलाइजेशन, कि कहाँ से शुरू होता है, तो सपोज कि वन से हम लोग शुरू करते हैं, राइट, एंड कहाँ तक हम लोग को चाहिए, आई इज लेस देन इक्वल्स टू 10, ओके, तो 10 तक चाहिए, एंड इसको रिपीट करना है तो आई प्लस प्लस, हम लोग को बढ़ाना है इसलिए प्लस प्लस यूज किए, राइट, एंड अब इसके अंदर हम लोग को प्रिंट क्या करना है, हम लोग प्रिंट करेंगे आई को, ओके, तो ये फॉर लूप हो गया, तो आई वन है, ओके, वन यहाँ प्रिंट होगा, फिर उसके बाद
आई प्लस प्लस हो जाएगा टू, टू के बाद वापस यहाँ आएगा, ओके okay, टू के बाद वापस टू को प्रिंट करेगा, फिर इसके पास जाएगा थ्री कर देगा, फिर वापस प्रिंट करेगा थ्री को, फिर वापस प्लस करेगा, एंड कब तक करेगा, जब तक कि आई टेन ना हो जाए, राइट right? हम लोग रन कर देते हैं ओके okay, तो वन से लेकर टेन तक प्रिंट हो चुका है। अभी हम लोग यूज करते हैं सेम वाइल लूप के साथ, तो वाइल लूप में भी काफी सेम है, हम लोग यहाँ पर वाइल वार आई लिखते हैं इज इक्वल्स टू वन, उसके अंदर हम लोग वाइल लिखते हैं वाइल, हम लोग लिमिट यहाँ पर डालेंगे आई इज लेस देन इक्वल्स टू टेन, एंड इसके अंदर हम लोग प्रिंट स्टेटमेंट लिखेंगे प्रिंट आई, एंड फिर इंक्रीमेंट वाला जो हम लोग यहाँ पर आई प्लस प्लस किए थे उसके बाद लिखेंगे प्लस ओके। तो ये हो गया, सबसे पहले मैं इसको कमेंट आउट तो हटा देता हूँ फॉर लूप को, तो हम लोग वाइल लूप से करेंगे ओके okay, तो वन से लेकर टेन तक इसमें भी प्रिंट हो गया है। अभी डू वाइल, डू वाइल भी काफी सिंपल है, बस हम लोग करते क्या है कि ये जो वाइल लूप है इसको आप यहां से हटाओ, इसको एंडिंग में डाल दो ओके okay? एंड ऊपर लिख दो डू राइट, एंड यहां पर लास्ट में आपको सेमीकोलन डालना है। तो हम लोग थोड़ा समझने के लिए सपोज इसको हम लोग 12 तक कर लेते हैं कि भाई 12 तक रन करो, तो रन करेंगे तो 1 टू 12, तो ये हो गया आपका डू वाइल। अभी हम लोग बात करते हैं फंक्शंस के बारे में राइट, तो हम लोग बनाएंगे एक वॉल्यूम ऑफ सर्कल कैलकुलेट करने के लिए फंक्शन, तो आपको जाना है वॉइड मेन के बाहर, यानी यहाँ पर लिखना है वॉइड वॉल्यूम ऑफ सर्कल ओके, यानी यहाँ पर आपको प्रिंट करना है, सपोज कि मैं डायरेक्टली प्रिंट करता हूँ 56 है वॉल्यूम ऑफ सर्कल राइट, एंड यहाँ पर आपको कॉल करने के लिए मेन फंक्शन पे सीधा उसका नाम लिख देना है वॉल्यूम ऑफ सर्कल राइट। अभी इसे रन करता हूँ मैं, तो 56 प्रिंट होना चाहिए डायरेक्टली ओके, तो यहाँ से इसमें चला गया एंड यहाँ से इसका प्रिंट स्टेटमेंट कर दिया है राइट। अभी आपको चाहिए कि डायनेमिक भाई, हम लोग आपको वैल्यूज दे रहे हैं एंड फॉर्मूला के थ्रू आप कैलकुलेट करो, तो आप वो कैसे कर सकते हो, तो उसके लिए आपको पैरामीटर सेट करना पड़ेगा, तो आपको जाना है इसके अंदर एंड आपको पैरामीटर डालना है कि आई एन टी रेडियस आर कॉमा आई एन टी हाइट ओके, ये दो पैरामीटर्स है एंड आप फॉर्मूला यूज करो, प्रिंट तो दे दिया है प्रिंट 3.14 इंटू आर जो कि आर स्क्वायर हो गया इंटू एच पाई आर स्क्वायर एच राइट। अभी आपको ये वैल्यूज को प्रोवाइड करना है, तो कैसे करोगे, तो आपको पहले यहाँ पर जाना है एंड बनाना है आई एन टी इक्वल्स टू 6 एंड यहाँ पर रेडियस कॉमा हाइट ओके, तो ये दोनों वैल्यूज यहाँ पास हो जाएंगे एंड फिर हम लोग रन कर सकते हैं 75.36 ओके। एंड अभी सपोज आपको रिटर्न टाइप फंक्शंस बनाने हैं, तो ये प्रिंट हो गया, अभी एक होता है रिटर्न टाइप फंक्शंस, तो आपको सिर्फ प्रिंट के जगह पे आपको यहाँ पर रिटर्न कर देना है, बस आपको मेक श्योर करना है कि जो आप रिटर्न कर रहे हो वो एक ही डेटा टाइप का होना चाहिए, जैसे कि अभी आप यहाँ देख सकते हो हम लोग यहाँ पर रिटर्न क्या कर रहे हैं, तो ये एक डबल है राइट, क्योंकि इसमें फ्रैक्शन है, ये इंटीजर बिल्कुल भी नहीं, डबल है, तो आपको वॉइड के जगह पे यहाँ पर जब भी आप रिटर्न लिखोगे तो आप वॉइड यूज नहीं कर सकते, आपको जो आप रिटर्न कर रहे हो उसका डेटा टाइप डालना पड़ेगा, तो हम लोग का डबल है, हम लोग डबल डालेंगे राइट ओके। तो अभी हम रन करते हैं, तो अभी भी ये वर्क करेगा राइट ओके, ये वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि हमने रिटर्न किया है, जब हम लोग रिटर्न करते हैं तब हम लोग को एक्चुअली मेन फंक्शन में हम लोग को प्रिंट करना पड़ता है, सबसे पहले हम लोग को स्टोर करना पड़ेगा कि इस फंक्शन का एक वैल्यू बन चुका है राइट। अभी हम लोग स्टोर करते हैं वार रिजल्ट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सर्कल, अभी रिजल्ट के अंदर स्टोर हो चुका है उसका वैल्यू, अभी हम लोग प्रिंट करेंगे रिजल्ट को राइट रन ओके 75.36। अभी हम लोग बात करते हैं क्लास के बारे में, तो क्लास काफी सिंपल है, डार्ट में एकदम जावा की तरह है, आपको वॉइड मेन के बाहर आना है, लिखना है क्लास, क्लास का नाम ओके एंड फिर क्लास का बॉडी कर्ली ब्रेसेस के साथ राइट, एंड क्लास का मेक श्योर कि क्लास का नाम जो है वो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, फिर उसके बाद हम लोग एक क्लास बनाते हैं पर्सन का राइट, तो उसमें हम लोग एक फंक्शन देते हैं वॉइड डायलॉग
हम लोग ने एक कोड लिखा है, इफ नेम इज इक्वल टू अश्नीर प्रिंट, ये सब दोगलापन है, else if name is equal to जेठालाल then print nonsense, okay? तो ये डायलॉग एक फंक्शन है जो नेम ले रहा है, राइट? तो हम लोग नेम यहाँ पर पास करते हैं जो कि एक स्ट्रिंग रहेगा, स्ट्रिंग नेम, राइट? तो अभी सपोज हम लोग ने बना लिया एक क्लास, एंड क्लास के अंदर एक फंक्शन है, हम लोग को इस फंक्शन को कॉल करना है इन वर्ड में, तो हम लोग कैसे करेंगे? तो हम लोग को एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, कैसे करेंगे हम लोग? var equals to new person, ओके? तो यहाँ वो पर्सन का एक ऑब्जेक्ट बन गया है, तो अभी हम लोग को अगर एसेस करना है डायलॉग इस फंक्शन को, तो हम लोग लिखेंगे पी डॉट डायलॉग, राइट? एंड अभी हम लोग इसे रन करते हैं तो देखते हैं क्या प्रिंट होता है, ओके? एरर आ रहा है क्योंकि हम लोग ने अभी तक कुछ पास ही नहीं किया, तो हम लोग को एक स्ट्रिंग नेम यहाँ पर पास करना है, तो सपोज कि मैं पास करता हूँ अश्नीर, ओके? एंड सेम टू सेम होना चाहिए, ओके? तो ये सब दोगलापन है, राइट? अभी हम लोग आगे आते हैं इनहेरिटेंस के बारे में, ओके? तो क्लास में इनहेरिटेंस होता है, राइट? तो अब हम लोग इनहेरिटेंस कैसे अचीव करेंगे? तो सपोज हमारे पास एक और क्लास है, क्लास बी, इसके अंदर एक फंक्शन है void profession, जो बोलता है कि बिजनेसमैन है, राइट? तो अभी सपोज कि मुझे ये जो फंक्शन है ये इस क्लास के थ्रू इस क्लास को इनहेरिट करवाना है, राइट? तो सपोज कि अभी मैं यहाँ पर हूँ void main में, मैंने p डॉट किया, तो मुझे क्या क्या बता रहा है? एक तो डायलॉग बता रहा है, राइट? तो और ये प्रोफेशन जो ये वाला फंक्शन है नहीं बता रहा है, राइट? तो ये अभी इनहेरिट नहीं कर रहा है। अगर आपको इनहेरिट करवाना है तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे पहले एब्स्ट्रैक्ट, ओके? एब्स्ट्रैक्ट क्लास बी, एंड हम लोग को यहाँ पर पर्सन जिसको इनहेरिट करवाना है जो चाइल्ड है, हम लोग वहां लिखेंगे एक्सटेंड्स बी, ओके? तो अभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं बी डॉट, ओके? तो यहाँ पर देख सकते हो प्रोफेशन आ गया, राइट? अच्छा, आपको हो सकता है कि आपको ना दिख रहा हो, पर मुझे यहाँ पर कुछ सेटिंग्स दिख रहे हैं, तो यहाँ पर प्रोफेशन आ चुका है, एंड सेमीकोलन, राइट? अभी हम लोग रन करते हैं, ओके? तो बिजनेस में, तो इसे हम लोग कहते हैं इनहेरिटेंस। अभी इसके बाद हम लोग बात करते हैं मिक्सिंस के बारे में, ओके? क्लास हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, अभी मिक्सिन, मिक्सिन एक नया फीचर है। तो कैसा होता है कि आप अभी जो इनहेरिटेंस कर रहे हो, राइट? तो अभी जो पर्सन है ये सिर्फ एक ही क्लास को इनहेरिट कर सकता है। सपोज कि मेरे पास अभी एक और क्लास है, क्लास सी, ओके? इसमें वर्ड जेंडर है फंक्शन जो प्रिंट करता है कि मेल, राइट? अभी मुझे इसे एसेस करना है, तो इसको इनहेरिट करवाना है अपना पर्सन के अंदर, ओके? तो कैसे करेंगे? क्या मैं यहाँ पर बी कॉमा सी कर सकता हूँ, राइट? तो यहाँ पर एरर बता रहा है, रेड लाइन आ गया, एरर, तो आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि जावा में एंड डार्ट में सिंगल लेवल इनहेरिटेंस ही है। तो अगर आपको वो अचीव करना है मल्टीपल लेवल इनहेरिटेंस, तो सबसे पहली बात तो आपको क्लास को चेंज करना पड़ेगा, एंड यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा मिक्सिन, ओके? इसको आपको एक मिक्सिन बनाना पड़ेगा, एंड आपको इसे इनहेरिट करवाने के लिए, ओके? आपको यहाँ लिखना पड़ेगा विथ सी, ओके? एंड अभी मैं यहाँ पर जाता हूँ एंड लिखता हूँ पी डॉट, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जेंडर भी आ गए, अभी ये मल्टीपल क्लास को इनहेरिट कर रहा है। अभी मैं रन करता हूँ। अच्छा, सपोज आपको ऑल बी क्लासेस को इनहेरिट करवाना है, जैसे कि डी ई एफ जी, तो आपको सभी क्लास को पहले मिक्सिंग में आना पड़ेगा, एंड उसके बाद आप यहाँ पर, अच्छा तो ये पार्ट में भूल जाता है इसलिए मैं आपको पीपीटी से बता रहा हूँ, तो आपको सिर्फ सी कॉमा डी लिख देना है, कॉमा ई लिख देना है, राइट? वो क्लास का नाम, तो वो सभी क्लास को ये इनहेरिट कर लेगा। ये है फीचर मिक्सिंग का। अभी हम लोग बात करते हैं अर्निंग फीचर ऑफ डार्ट, ओके? तो सपोज हमारे पास तीन जगह से डेटा आ रहा है, ओके? तो हमारे पास तीन फंक्शंस है, तीनों फंक्शंस कहीं अलग अलग जगह से डेटा को असेंबल कर रहे हैं, राइट? तो अब डेटा वन में, लाइक डेटा वन का कोई सोर्स रहेगा, डेटा टू का कोई सोर्स रहेगा, डेटा थ्री का कोई सोर्स रहेगा, राइट? अभी तीनों हम लोग सपोज मेन फंक्शंस पे कॉल कर रहे हैं, राइट? इसे हम लोग रन करते हैं, ओके? आप देख सकते हो डेटा वन अराइव, डेटा टू अराइव, डेटा थ्री अराइव, राइट? तो अभी क्या हो सकता है कि कभी कभी डेटा टू कुछ टाइम ले सकता है अराइव करने में, हो सकता है कि भाई उसका जो सर्वर जहाँ से आ रहा है वो कुछ करप्ट हो गया हो। तो कैसा होता है,
कि सबसे पहले जनरली डेटा वन पहले आएगा, फिर डेटा टू आएगा। अगर डेटा टू टाइम ले रहा है तो डेटा थ्री को वेट करना पड़ेगा। ओके, तो हो सकता है कि डेटा टू को आधा घंटा लग जाए, तो डेटा थ्री तो भैया बाद में आएगा। पर आप ऐसा चाहते हो कि नहीं भाई, डेटा थ्री पहले आ जाए, डेटा टू हो सकता धीरे धीरे आने दो, राइट? तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए एक फंक्शन है अजिंग करके। ओके, तो सबसे पहले हम लोग एक केस ऐसा बनाते हैं यहाँ पर। तो हम लोग एक फंक्शन यूज करते हैं फ्यूचर डॉट डिलेड ड्यूरेशन सेकेंड्स 5। ओके, तो ये 5 सेकेंड जो है ये डेटा डिले हो गया है, राइट? तो अभी कैसा है कि मुझे क्या करना है कि डेटा वन आए, अगर डेटा टू को टाइम लग रहा है तो डेटा थ्री पहले आ जाए, डेटा टू को साइड बाय साइड आते रहने दे। तो उसके लिए हम लोग को एक फंक्शन यूज करना पड़ेगा अजिंग करके। तो आपको फंक्शंस के बाद ऐसा लिखना है अजिंग, ओके? एंड अजिंग के साथ जो आपको पता है कि देखो ये फंक्शन है जो डिले कर रहा है, राइट? तो आपको वहां पर अवेट लिखना है। तो मोस्टली यहाँ पर आपका एपीआई रहेगा। तभी क्या होगा अगर मैं रन करता हूँ, राइट? तो देखो डेटा वन एंड डेटा थ्री आ गया है, एंड डेटा टू अपने हिसाब से धीरे धीरे करके आ रहा है। अभी हम लोग जानेंगे कैसे आप इनपुट ले सकते हो एंड नल सेफ्टी के बारे में। इसके लिए आपको आना पड़ेगा वीएस कोड पे, क्योंकि आप ऑनलाइन एडिटर पे इनपुट नहीं ले सकते हो। एंड आपको डाउनलोड करना पड़ेगा फ्लटर एसडीके, जिसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपको जाना पड़ेगा फाइल में, न्यू फाइल, सिलेक्ट लैंग्वेज, डॉट एंटर, ओके? एंड इसके बाद आपको कंट्रोल एस करके सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपको एक विंडो पॉपअप होगा, हो सकता है कि आपको दिख ना रहा हो, राइट? एंड वहां पर आपको फाइल नेम में लिखना है आईओ डॉट डॉट डी आर टी एंड सेव। ओके, तो एक फाइल बन जाएगा आईओ डॉट डॉट करके। इसके बाद आपको ये लाइब्रेरी कॉपी कर लेना है इम्पोर्ट डॉट आईओ, जिसके अंदर सबके सब इनपुट आउटपुट रिलेटेड मेथड्स है, राइट? अभी हम लोग एक स्ट्रिंग इनपुट लेंगे फ्रॉम यूजर, स्ट्रिंग एस। ओके, तो उसके पहले हम लोग आते हैं नल सेफ्टी के ऊपर। तो डार्ट में कैसा होता है कि अगर आप कोई भी ऐसा वेरिएबल लेते हो जिसका वैल्यू आपको अभी नहीं पता है, एंड फ्यूचर में या तो आपको यूजर से मिलेगा या तो किसी फंक्शन के थ्रू आपको उसमें वैल्यूज आप डालोगे, तो आपको वो वेरिएबल का जो डेटा टाइप है आपको नलेबल कर देना है। ओके, तो आपको नलेबल करने के लिए सिर्फ यहाँ पर क्वेश्चन मार्क डाल देना है, जैसे कि स्ट्रिंग क्वेश्चन मार्क एस। तो ये अभी नल सेफ हो गया है। ओके, तो अगर इसमें कभी भी कोई वैल्यू नहीं है तो ये बाय डिफॉल्ट नल होगा इसके अंदर। ओके, ये काफी हेल्प में आता है, आपको आपके काफी सारे एरर कम कर देता है बाद में। अभी हम लोग एस इनपुट लेना है हम लोग को, तो हम लोग लिखेंगे एस इज इक्वल टू एस टी डी इन डॉट रीड लाइन सिंक। ओके, तो ये हो गया इनपुट लेने के लिए कोड, राइट? एंड अभी हम लोग ऊपर एक थोड़ा सा प्रिंट स्टेटमेंट लिख देते हैं, प्रिंट यूजर को बताने के लिए एंटर वैल्यू। ओके, तो ये देखने के बाद यूजर वैल्यू डालेगा, एंड फिर जो वैल्यू डालेगा हम लोग उसे प्रिंट भी कर देंगे, प्रिंट एस। ओके, कंट्रोल एस करके हम लोग जाएंगे टर्मिनल पे, टर्मिनल न्यू टर्मिनल। एंड अभी मैंने इसको स्टोर किया है। ओके, मैंने अपने इस फाइल को स्टोर किया डेस्कटॉप पे, तो मैं जाऊंगा सीडी डेस्कटॉप। ओके, एंड उसके बाद मैं टाइप करूंगा डॉट रन, फाइल का नाम आईओ डॉट डॉट, एंटर वैल्यू। तो सपोज मैं डाल रहा हूँ सुमित। ओके, तो सुमित ने मुझे वैल्यू मिल गया, एंड वही आउटपुट हो रहा है, राइट? अभी सपोज आपको चाहिए इंटीजर, आपको एक इंटीजर लेना, तो आप लिखोगे आई एन टी नलेबल एन, राइट? या तो आपको डबल भी चाहिए तो डबल नलेबल पी, क्यों हम लोग नलेबल करें, क्योंकि हम लोग को अभी उसका वैल्यू पता नहीं है, हम लोग को फ्यूचर में पता चलेगा, ये तो यूजर से मिलने वाला है, राइट? तो हम लोग अभी लिखेंगे इंटीजर के लिए आपको क्या करना है, एन इक्वल्स टू इंट डॉट पार्स। आपको पहले पार्स करना पड़ेगा, ये जो कोड है इससे जो एस टी डी इन का है, आपको इसी को इसके अंदर पेस्ट कर लेना है, एंड लास्ट में आपको देना है एक्सक्लेमेटरी मार्क। ओके, ये एक्सक्लेमेटरी मार्क भी नल सेफ्टी के लिए है। तो ये हो गया इंटीजर लेने का तरीका, एंड सिमिलरली हम लोग इसे कॉपी पेस्ट करेंगे। ओके,
तो डबल के लिए भी हम लोग ने सेम कोड लिख दिया है, पर यहां पर आएगा डबल डॉट पास। ओके, ये वाला कोड सिर्फ स्ट्रिंग को लेता है, अभी वो स्ट्रिंग को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे इंटीजर में, राइट। तो अभी हम लोग प्रिंट करेंगे, तो प्रिंट करने के लिए हम लोग को इंटरपोलेशन यूज करना पड़ेगा, डॉलर एस कॉमा डॉलर एन कॉमा डॉलर टी। कंट्रोल एस एंड वापस यहां पर जाके डार्ट रन आयो डॉट डार्ट, राइट। एंटर वैल्यू सपोज मैं डालता हूँ सुमित, उसके बाद इंटीजर डालना है मुझे तो 5.6, राइट। तो तीनों के तीनों वैल्यूज प्रिंट हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा ट्यूटोरियल खत्म होता है, पर यहाँ पर हम आपको एक होमवर्क देते हैं, आपको जाके सर्च करना है कि डायनेमिक डेटा टाइप क्या होता है डार्ट के अंदर, और डायनेमिक और वार के बीच में अंतर क्या है, आपको कमेंट आउट करना है, राइट। एंड आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो, लाइक कर दो, भाई कुछ भी करो, बस वो सब्सक्राइब के बटन को बस दबा दो, उसको उसके साथ खेलो, उसको उसको तोड़ दो। ओके ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।